आज बीजेपी की पहली लिस्ट का ऐलान संभव है। आज 16 राज्य की 100 से ज्यादा सीटों का ऐलान संभव है। बीती रात चुनाव समिति की बैठक में यूपी की सभी 80 सीटों पर चर्चा हुई। चुनाव समिति की बैठक में यूपी की 52 सीटों पर नाम तय हुए हैं। सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, इनसाइड स्टोरी क्या मिल रही है? कौन से बड़े नाम तय हो चुके हैं? कौन से बड़े नाम हैं जो इस बार लिस्ट से बाहर होते नजर आ रहे हैं? देखिए, कल जो देर रात तक बैठक हुई है उसमें यूपी के सभी लोकसभा की 80 सीटों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। उम्मीदवारों के जो पैनल थे, कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है, उससे पहले आपको बताएं सहयोगी दलों के लिए भी बातचीत की गई कि भाई 6 सीटें सहयोगी दल के जो पार्टनर हैं उन पर लेकर फाइनल हो गया है। ये जानकारी मिली है कि आरएलडी को कौन सी वो 2 सीटें दी जाएगी उस पर आखिरी फैसला होना बाकी है। अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन 52 सीटों पर नाम तय हो गए हैं। 80 में से 52 सीटों पर नाम तय हो गए हैं। 6 सीटें अगर आप एनडीए के अलायंस पार्टनर के लिए छोड़ दीजिए, उसमें से एक बड़ी जानकारी जो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जो जानकारी मिली है उसमें ये कहा जा रहा है कि गाजियाबाद से जो आपको मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं वीके सिंह की जगह इस बार किसी दूसरे को गाजियाबाद से चुनाव लड़ाया जा सकता है, ऐसी जानकारी मिली है हमें सूत्रों के हवाले से। और भी सीटों पर इसी तरीके के बड़े फैसले हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंतजार कर लेना चाहिए जब तक फाइनल रिपोर्ट ना आ जाए, क्योंकि वैसे भी बीजेपी के बारे में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन मोटे तौर पर 52 सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं, उनमें से कुछ सीटों का जिसमें बड़े नाम भी होंगे और कुछ वैसी सीटें जो पिछली बार बीजेपी हार गई थी यूपी में, जो 14 सीटें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट होगा जानना। और माना यह जा रहा है कि आज वो तमाम नाम सामने आ सकते हैं। 16 राज्यों की 100 से ज्यादा सीटों पर चर्चा हुई है, और जैसा कि पंकज हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं, यूपी में 80 में से 52 सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं। 6 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई हैं। यह अहम खबर पंकज ने दी। यूपी में बीजेपी सहयोगियों को 6 सीटें देगी, अपना दल और आरएलडी को 2-2 सीटें मिली हैं। यूपी में निषाद पार्टी को 1 सीट और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को बीजेपी 1 सीट देगी, ये तय होता हुआ नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर है, असम में सहयोगियों को बीजेपी 3 सीटें देने जा रही है। देखिए, यह भी तय हो गया है। असम में एजीपी को 2, यूपीपीएल को 1 सीट संभव है। तो असम का जो फॉर्मूला है वो भी सामने आ रहा है सहयोगी दलों को लेकर। असम में सहयोगियों को बीजेपी 3 सीटें देने जा रही है। बिल्कुल। और देखिए, एक और अपडेट आपको दे दें इससे जुड़ी हुई, हरियाणा से खबर है। बीजेपी भी 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अपने कैंडिडेट उतारेगी। हरियाणा में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ सकती है, यह और बड़ी खबर है। वहीं देखिए, झारखंड में आजसू को 1 सीट देने का प्लान है। बिहार में सीट शेयरिंग पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। आनंद प्रकाश हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आनंद, सहयोगी दलों को लेकर ये तमाम खबरें आ रही हैं कि कुछ राज्यों में सीट एडजस्टमेंट हो गया है, क्या और जानकारी मिल रही है? और बिहार को लेकर कब तक स्थिति फाइनल होगी, क्योंकि बिहार पर निगाहें टिकी हैं, अभी अभी एनडीए सरकार वहां बनी है। बिल्कुल, और ये बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते जो बीजेपी है वो एनडीए में जो सहयोगी दल है किसको कितनी सीटें मिलेगी, इसका अगले हफ्ते समझौता बीजेपी और सहयोगी दल एनडीए के वो ऐलान भी कर देगी। इसको लेकर लगभग बातचीत पूरी हो चुकी है। सिर्फ महाराष्ट्र और बिहार को लेकर अभी फाइनल बातचीत होनी बाकी है। इसके अलावा टीडीपी या ये डीएमके और अकाली दल, उनसे जो बातचीत चल रही थी, बातचीत फिलहाल बीच में रुक गई थी, उसको लेकर भी कुछ बातचीत होनी बाकी है। और बताया जा रहा है कि अगले 3-4 दिनों में सहयोगियों से भी बीजेपी अपनी बातचीत पूरी कर लेगी, और ऐसे में संभवतः अगले हफ्ते सहयोगी दल जो है उनको किस राज्य में कितनी सीटें बीजेपी दे रही है उसको लेकर ऐलान कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ बीजेपी कोशिश ये है कि मार्च 10 या 12 तक, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले, बीजेपी की कोशिश है कि 300 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दे। अच्छा आनंद, ये खबर सामने आ रही है कि हरियाणा में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर सभी सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी, इसके पीछे क्या रीजन? जी दरअसल, बीजेपी को ये लगता है कि अगर वहाँ पे वो दुष्यंत चौटाला के साथ पार्टी के साथ गठबंधन, उनके साथ अगर चुनाव लड़ते हैं तो इसका खामियाजा दोनों ही दलों को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ एक जाट सेंटिमेंट रहा है। तो ऐसे पार्टी को लगता है कि अगर दोनों दल साथ में लड़ते हैं तो जाटों का वोट न बीजेपी को मिलेगा न इसके सहयोगी दल को मिलेगा। यही वजह है कि अभी औपचारिक गठबंधन टूटने का ऐलान नहीं हुआ है,
लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि सभी 10 सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़े, और अगर बाद में अगर जरूरत पड़ती है तो बाद में गठबंधन के रास्ते तो हमेशा खुले रहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद प्रकाश पांडे आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए।